रहे हैं ना, हमारी कमर पर लेप लगा दीजिए, घोर पीड़ा हो रही है। गुरुजी यदि आप कहें तो हम आपके पीठ पे लेप लगा दें। गुरुजी चुप रहो मूर्खो, गुरु की मार भूल गए संभल था। वरुणमाला जी स्वामी, ये क्या है? लेप लगाने को कहा, आग लगाने को नहीं कहा। रात्रि हो गई है, हम चंद्रमा को अग्नि चढ़ाकर आते हैं। चंद्रमा को अग्नि का क्या प्रयोजन है? स्वामी सूर्य देवता को हम जल अर्पित करते हैं क्योंकि वह उष्ण होता है। इसी प्रयोजन से हम चंद्रमा को ये अग्नि अर्पित करते हैं क्योंकि वह शीतल है। ए भगवान, ये गर्जना कहाँ से आई? स्वामी ऐसा प्रतीत होता है कि नरबक्षी बाघ आपके दर्शन प्राप्त करने को ही उपस्थित हुआ है। हम अभी इसे आमंत्रित कर लेते हैं, कहीं त्रुटिवश किसी और के शिविर में ना चला जाए। ए भगवान, ये कौन से जन्मों का दंड है ये वरुण? स्वामी आज आप इस नरभक्षी भाग के सभी पापों को हर लीजिए। हमारा आदेश है, जाइए शीघ्र जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। ए भगवान, एक तो वो गर्जना और ये मुसीबत। भगवान गुरुजी अब हम चलते हैं। रुको, उचित होगा कि तुम दोनों यही रहो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बैठ जा, बैठ जा, हमारे समक्ष बैठो। ये क्या पहना दिया हमें? हमारे राष्ट्रीय वस्त्र कहाँ है? तात्कालिक महाराज, ये समय तो आपके व्यायाम का है ना, अब राजसी वस्त्रों में भला व्यायाम कैसे होगा? व्यायाम? क्या करना है यहाँ? 108 सूर्य नमस्कार करने हैं। अच्छा, इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय तो ऐसा ही करते हैं। अच्छा तो ठीक है, ये 100 सूर्य नमस्कार हमारे चेले धनी मनी करेंगे, 8 हम कर लेंगे। गुरुजी हम किसी काम के नहीं है ये। बस अब और नहीं होता। ओहो, अब हम अपने शयन कक्ष में जाएंगे। अरे अरे तात्कालिक महाराज, अभी तो तलवारबाजी का अभ्यास बाकी है। पंडित रामकृष्ण बस करो, हमारा पूरा शरीर तो निचोड़ लिया, अभी काम करो, मल युद्ध बचा है वो भी करो, फिर हमें उठाकर चिता पर लिटा दो। मार डाला, मार डाला मूर्खो, कमर सीधी कर रहे हो या तोड़ रहे हो? एक तो सुबह से खजाना पेट में नहीं गया, भूख के मारे प्राण निकल रहे और बचे खुचे प्राण ये मूर्ख निकालने पर तुले हैं। पंडित रामकृष्णा, कुछ मिलेगा खाने को या फिर हमारे आदरणीय महाराज को खाते नहीं? तात्कालिक महाराज अवश्य खाते हैं। तो मंगवाओ ना फिर, कौन सा मुहूर्त निकलवाना है उसके लिए? आप विराजिए, हम अभी मंगाते हैं। आइए आइए।
तात्कालिक महाराज की अनुमति हो तो थोड़ा अन्न जल हम भी ग्रहण कर ले। हाँ खा लेना खा लेना, जी भर कर खा लेना। यहाँ कौन सी कमी है खाद्य भंडार की, पहले जरा हम तो स्वाद ले लें राजभोग का, देखे तो सही क्या बना है। ये क्या है? ये हाँ प्रसाद, राजभोग से पहले प्रसाद प्रथा है। नहीं नहीं तात्कालिक महाराज, ये प्रसाद नहीं है। फिर क्या है? ये आपका आज का जलपान है। जलपान? ये दो बादाम और एक प्याला जल। एक प्याला जल नहीं, तुलसी जल। वो क्या है, क्या शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हमारे असली और आदरणीय महाराज श्री कृष्ण देव राय अपनी प्रजा की सुख शांति और उन्नति के लिए उपवास रखते हैं और केवल यही खाते हैं। अब उपवास की ऐसी पवित्र परंपरा का निर्वाह तो आपको भी करना ही होगा तात्कालिक महाराज। हम मर जाएंगे जी। हाँ परंपरा है सो है, पर राजा को अपने पद का सम्मान तो करना ही चाहिए। यही खा लेंगे। तात्कालिक महाराज की जय। क्या है चिल्लाए क्यों? अरे आपने इतनी अच्छी बात कही तात्कालिक महाराज, जय जयकार तो बनता है ना, और आपने तो कहा है कि आपका जय जयकार ऊंचे स्वर में किया जाए। तात्कालिक महाराज राज दरबार का समय हो गया है, चले। तो हमारे भोजन का क्या होगा? तात्कालिक महाराज आज तक तुलवा वंश के किसी भी महाराज ने दरबार में उपस्थित होने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है। गुरु जी, महामंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दरबार में प्रस्थान कीजिए, विलंब ना कीजिए। ये बादाम तो मैं ही खा लेता हूँ। दूसरा बादाम मैं खा लेता हूँ। हंसले जितना हंसना है हंसले पंडित, तेरा समय पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। बाबा बाबा बाबा, और धैर्य नहीं रखा जा रहा है हमसे, शीघ्र बताइए। अभी जो दरबार में आपने पंडित रामाकृष्णा के विषय में भविष्यवाणी की थी, क्या वो केवल हमारा पक्ष लेने के लिए थी या सत्य थी, बोली? अनर्थ कभी किसी का पक्ष नहीं लेता आचार्य, उसे आना होता है तो सारी मर्यादाएं तोड़कर आ जाता है। हमने वही कहा जो भविष्य हमें दिखा रहा है। इस पंडित का विध्वंस अब निश्चित है। किंतु कैसे कैसे बाबा, कैसे कैसे होगा ये चमत्कार? होगा पुत्र, जैसा हमने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खाना होगा। क्या खाना होगा? जो हम खिला रहे हैं वो खाना होगा। क्या खिला रहे हैं आप? शपथ खाना होगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करोगे। हम एक बात का वचन देते हैं, अगर हमारा कहना माना तो इस रामा का नाम कभी भी कहीं नहीं सुनोगे, ना इस लोक में ना परलोक में। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम शपथ खाते। तो समझो हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी। हम वचन देते हैं कल दरबार में पंडित रामाकृष्णा का अंतिम दिन होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.